हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिटर्न वर्क इन आवर साइंस नोटबुक। साइंस की नोटबुक में आज हम रिवीजन लिखना स्टार्ट करेंगे। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट की पीडीएफ आपको आपके जो पीडीएफ का फोल्डर है स्कूल की एप्लीकेशन में, उसमें उसकी पीडीएफ भी आ गई होगी। पीडीएफ में यहाँ पे 10 नंबर का आंसर जो है वो वहाँ पे स्मॉलर होगा। स्मॉलर की जगह पे आपको करना है बीगर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है इसमें 10, 11, 12 और 13। टोटल कितने चैप्टर आएंगे? 4 चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश। ऑल लिविंग थिंग्स को क्या जरूरत, किसकी जरूरत होती है? ए प्लांट्स, बी वाटर, सी स्नो या डी नन। तो किसकी जरूरत होती है? बी वाटर की। तो आपको यहाँ पे वाटर भी लिखना है और बॉक्स में बी लिखना है। नंबर 2, रेन वाटर कलेक्ट डैश फ्रॉम एयर। रेन वाटर में एयर में से क्या कलेक्ट होता है? ए जम्स, बी टैप्स, सी बॉइलिंग या डी नन। तो आंसर आएगा ए जम्स। आपको यहाँ पे जम्स लिखना है और बॉक्स में लिखना है ए। नंबर 3, वी गेट अंडरग्राउंड वाटर बाय बोरिंग डैश। ए फिल्टर्ड, बी बॉइल, सी ट्यूबवेल या डी नन। तो आंसर आएगा हमारा सी ट्यूबवेल। तो आपको यहाँ पे ट्यूबवेल लिखना है और यहाँ पे बॉक्स में लिखना है सी। नंबर 4, डैश इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का सॉलिड फॉर्म कौन सा है? ए आइस, बी वाटर, सी स्टीम या डी नन। तो हमारा वाटर का सॉलिड फॉर्म कौन सा है? आइस। तो आपको यहाँ पे आइस लिखना है और बॉक्स में लिखना है ए। नंबर 5, व्हेन वाटर इज हीटेड इट टर्न्स इनटू डैश। जब पानी गर्म होता है तो वो किस में टर्न होता है? स्टीम में। ए वाटर में, बी स्टीम में, सी आइस में या डी नन। तो हमारा जो वाटर है वो गर्म होता है तो स्टीम में टर्न होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है एस टी ई ए एम, स्टीम, और यहाँ पे बॉक्स में लिखना है आंसर बी। नंबर 6, स्टीम इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर। स्टीम वो कौन सा फॉर्म है वाटर का? ए सॉलिड, बी गैसियस, सी लिक्विड या डी नन। तो कौन सा फॉर्म है? बी गैसियस। तो आपको यहाँ पे लिखना है जी ए एस ई ओ यू एस, गैसियस। आपको बी ऑप्शन बॉक्स में लिखना है बी। ओके, नंबर 7, विच फॉर्म ऑफ वाटर इज कंटेन इन द एयर। एयर में कौन सा फॉर्म कंटेन, वाटर का कौन सा फॉर्म कंटेन होता है? ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैसियस या डी नन। तो आएगा हमारा सी गैसियस। तो आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है सी। नंबर 8, एन एरोप्लेन इज अ डैश व्हीकल। एरोप्लेन कैसा व्हीकल है? ए बिग, बी स्मॉल, सी हॉट या डी नन। तो आएगा ए बिग। तो आपको यहाँ पे बिग लिखना है और बॉक्स में ए लिखना है। नंबर 9, द मिड नून समर सन इज डैश। मिड नून समर का सन जो होता है वो कैसा होता है? ए कोल्ड, बी हॉट, सी स्मॉल या डी बिग। तो मिड नून समर का सन जो होता है वो कैसा होता है? हॉट होता है, ऑप्शन बी। तो आपको यहाँ पे लिखना है एच ओ टी हॉट और यहाँ पे लिखना है बी। नंबर 10, द सन इज डैश देन द अर्थ। सन वो अर्थ से कैसा है? ए स्मॉलर, बी बिगर, सी कोल्ड या डी हॉट। तो आंसर आएगा हमारा बिगर। फिर आपको अगेन बता रही हूँ कि आपकी वर्कशीट में यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर होगा, पर वो आपको कट करके आपको क्या लिखना है? बिगर। वो बाय मिस्टेक यहाँ पे स्मॉलर हो गया है, आपको यहाँ पे लिखना है बिगर, बी आई डबल जी ई आर, बिगर। और बॉक्स में भी क्या करना है? बी करना है। ओके, एंड लास्ट वाला 11 नंबर, अर्ली इन द मॉर्निंग राइज इज दिस डैश। अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या राइज होता है? ए मून, बी स्टार, सी सन या डी नन। तो मॉर्निंग में क्या राइज होता है? मून स्टार की सन। तो आएगा सन, ऑप्शन सी एस यू एन सन। तो आपको यहाँ पे लिखना है एस यू एन सन और बॉक्स में लिखना है सी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे ओवर करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में आगे का रिविजन देखेंगे. बाय एवरीवन.